हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंप्यूटर मास्टर में। दोस्तों, जैसे कि हमने थंबनेल तो देख ही लिया है, दोस्तों अगर आपको भी यूट्यूब में कुछ इस तरह से एरर आ रही है, इन एरर ओके वाले अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ यूट्यूब अकाउंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको इसका कंप्लीटली 100% वर्किंग सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, इसको अपन किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, दोस्तों ये एरर आपको तभी आएगी दोस्तों जब आप एक क्रिएटर होते हैं और दोस्तों आप किसी ब्रांड अकाउंट को यूट्यूब पर्सनल अकाउंट में या फिर पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और एरर होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अपने चैनल पे बता देता हूँ कौन सी एरर है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ ये वीडियो मैंने बनाया था, दिस अकाउंट इज नॉट येट एलिजिबल टू यूज यूट्यूब। दोस्तों, इस तरह से भी एक एरर आती है। तो दोस्तों, वो कब आती है? दोस्तों, वो जब आती है जब आप दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को, अपने जो ब्रांड अकाउंट होता है उसको डिलीट करते हो, फिर रिस्टोर करते हो, फिर डिलीट करते हो, रिस्टोर करते हो, या फिर दोस्तों आप अपने जीमेल आईडी को डिलीट कर देते हो। तो दोस्तों, ऐसे में भी आपको ये इस तरह की एरर देखने को मिल जाती है, या फिर दोस्तों ये भी सेम कंडीशन में भी आपको मिल सकती है दोस्तों, जब आप ब्रांड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में बदले या पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में बदले, तो दोस्तों उस समय भी आपके ये देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही बात, अब दोस्तों ये क्यों आती है? तो दोस्तों, इसके पीछे का ये जो वजह होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों यूट्यूब को एक तरह से लगता है कि जो भी यूट्यूब पे आप जो भी एक्टिविटी आपके द्वारा की जा रही है, वो एक तरह से एक स्पैम है, या फिर स्पैम कहने का मतलब दोस्तों आप यूट्यूब पे बार बार अपने चैनल बनाओगे फिर डिलीट करोगे, तो दोस्तों एक तरह से वो स्पैम की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, इस वजह से भी एरर आ जाती है। और दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है दोस्तों, उसको कोई दूसरा यूज उसके जो आपकी जो परमिशन है, मेन परमिशन, वो हटाने की कोशिश कर रहा हो। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आपने ब्रांड अपने यूट्यूब पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में चेंज कर रखा, और दोस्तों आपके जो मैनेजर की और फिर दोस्तों कुछ दूसरी परमिशन होती है दोस्तों, अगर आपने उसको किसी दूसरे जीमेल आईडी को परमिशन दे रखी हो, यानी कोई दूसरा आपका जो दोस्तों आपका फ्रेंड हो या फिर आपका कोई भी हो, तो उसको आपने मैनेजर बना रखा हो या फिर कुछ व्यूअर्स बना रखा हो, तो दोस्तों हो सकता है कि वो आपके जो चैनल को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपकी परमिशन को हटाने की कोशिश कर रहा हो। यानी दोस्तों, एक तरह से वो प्राइमरी ओनर बनने की कोशिश कर रहा हो, या फिर दोस्तों मेन वजह यही होती है दोस्तों, ओनर से अगर वो प्राइमरी ओनर बनने की कोशिश कर रहा हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी फिर अपने को इस तरह की एरर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यूट्यूब क्या करता है, उस जीमेल आईडी जो भी आपके दोस्त की जीमेल आईडी होती है, उसको एक तरह से यूट्यूब को यूज़ करने से रोक देता है। इससे क्या होता है दोस्तों, वो जो दूसरी परमिशंस वगैरह होती है उनको यूज़ नहीं कर पाता है, और दोस्तों इस तरह से वो स्पैम भी नहीं फैला पाता है। और दोस्तों, इतने में आपको टाइम मिल जाता है आपके यूट्यूब को रिव्यू करने का, यानी आपके यूट्यूब चैनल को रिव्यू करने का। तो दोस्तों, 5-10 दिनों या फिर 10-15 दिन के बाद में आपका जो जो जिसको भी ये एरर आती है, वो फिक्स हो जाती है। और दोस्तों, आप खुद ही अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों आपको भी इस तरह की एरर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यूट्यूब को ऐसा इस वजह से लगता है कि हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे में फिर दोस्तों 10-15 दिनों तक आपका वेट करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप 10-15 दिन तक वेट नहीं करना चाहते, तो दोस्तों आप यहाँ पे एक और तरीका यूज कर सकते हो, जिससे भी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, तरीका क्या है दोस्तों, आपको एक ईमेल करना होता है यूट्यूब को। दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। दोस्तों, ट्विटर के जरिए आप ट्वीट करोगे, तो दोस्तों वहाँ से आपको कोई रिस्पांस मिल भी सकता है, और दोस्तों आपके अगर फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं, तो आपको रिस्पांस नहीं भी मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे ईमेल कुछ इस तरह से आपको करना होता है, और दोस्तों आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी कंप्लीटली वहाँ पे बतानी है, और साथ में आपको इसका जो स्क्रीन शॉट होता है वो भी ऐड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को यूट्यूब की तरफ से पहला रिप्लाई आया था, हाय, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद द क्रिएटर सपोर्ट टीम। दोस्तों, ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे देख रहे हो, इसी पे आपको करना है यूट्यूब, उसके बाद में desksupport@google.com। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर मेरे को यहाँ पे क्या उनकी तरफ से क्या मेल आया था, वी करेंटली ओनली सपोर्ट चैनल्स डेट आर पार्ट ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। दोस्तों, इनका कहना है कि ये सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैंने एक दो बार और ईमेल किया। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करोगे दोस्तों मैं कौन सा ईमेल किया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने किया सर प्लीज यहाँ पे फिर लिखा दे, मैंने पिक्स लिखना था, लेकिन दोस्तों फिर हो गया सर प्लीज पिक्स लॉगिन एरर। तो दोस्तों, उसके बाद में फिर मेरे को एक और ईमेल आया यूट्यूब की तरफ से, रिप्लाई आया, हाय देयर, गुड डे, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू अस, दिस इज जेफरे एंड आई विल बी असिस्टिंग यू इन दिस केस, और आई सी डेट यू आर कंसर्न्ड रिगार्डिंग यूर यूट्यूब अकाउंट, नॉट टू वरी, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प। और दोस्तों, इन्होंने कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे से चैनल का नाम पूछा और चैनल की URL पूछी। तो दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे फिर ईमेल किया, फिर से इनको रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स डियर सर, माय चैनल नेम इज कंप्यूटर मास्टर एंड URL इज, दोस्तों URL मैंने यहाँ पे ऐसे दे दी, और उसके बाद में थैंक्स यूट्यूब हेल्प डेस्क, इसी तरह से मैंने भेजा। फिर दोस्तों, मेरे को इसमें टाइम लगा। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितनी तारीख को मेरे को ये आई थी प्रॉब्लम, दोस्तों 24 सितंबर को मैंने मेल किया था, और सॉरी उससे एक दो दिन पहले किया था शायद, और उसके बाद में रिप्लाई मेरे को
24 को आया था इनके, मतलब दोस्तों 22 सितंबर के आसपास मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये मेरे एरर जो आई थी ब्राउजर में, यानी दोस्तों मैं जब पीसी के जरिए अपने चैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो दोस्तों उस समय मेरे को ये एरर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों उस दिन तो दोस्तों मेरे को अपने मोबाइल के जरिए भी यही एरर देखने को मिल रही थी, यानी मोबाइल में भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों एक दो दिनों के बाद में मेरे मोबाइल में बढ़िया यूट्यूब पर अपने चैनल को ओपन कर पा रहा था और वीडियो वगैरह भी अपलोड कर पा रहा था। तो दोस्तों ब्राउजर में मात्र मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही थी एक दो दिनों के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे और मैंने यहाँ पे आप चेक करोगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर इस तरह से ईमेल भेज दिया। फिर दोस्तों फिर मैंने इसमें यूट्यूब थोड़ा सा टाइम ले रहा था चेक करने में, तो दोस्तों फिर मैंने 25 तारीख को एक और ईमेल भेज दिया। फिर उसे यहाँ पे टाइम देख सकते हो दोस्तों आप, 4:57 PM हो रहा है। फिर 9:30 बजे फिर यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास ही मैंने और भेजा है रात के टाइम पे। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे 9:33 25 सितंबर पे एक और मैसेज भेज दिया शायद, और यहाँ पे क्या भेजा दोस्तों मैंने इस तरह से स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था। और दोस्तों फिर यहाँ पे फिर मेरे को दोबारा से मिला, हाय देयर थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स, वी अप्रिशिएट यू फॉर शेयरिंग द नीडेड इन्फो, प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये इस तरह से इन्होंने फिर यहाँ पे बताया, सिंस यू हैव मेंशन दैट द आईसीयू ओनली ऑक्यूर्स व्हाइल यूजिंग योर डेस्कटॉप, वी सजेस्ट यू टू परफॉर्म दिस ट्रबल शूटिंग स्टेप्स फर्स्ट। दोस्तों इन्होंने भी जो नॉर्मल यूट्यूबर्स आपको बताएंगे या फिर दोस्तों जो भी नॉर्मल आपको जानकारी पता होती है वही चीज़ें यहाँ पे बताइए कि आप जो डाटा होता है उसको कैचे और कुकीज होते हैं उनको क्लियर कर ले, और रिप्रोड्यूसिंग द आईसीयू इन सेवरल ब्राउजर्स, ट्राई इन द इनकॉग्निटो मोड, और उसके बाद में अपडेटिंग सॉफ्टवेयर ब्राउजर। दोस्तों गूगल क्रोम वगैरह मैंने सबको वैसे अपडेट कर लिया था दोस्तों, दोबारा से मैंने इंस्टॉल करके भी चलाने की यूट्यूब को ओपन करने की कोशिश की अपने यूट्यूब चैनल को, लेकिन दोस्तों फिर भी वो वर्क नहीं किया था। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे इनको ईमेल किया दोबारा से कि थैंक यू सर, बट आई डिड अबव ऑल व्हेन आई एम मूविंग माय यूट्यूब ब्रांड अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट एंड व्हेन जस्ट आई ट्राई आई डू नॉट नाउ व्हाट हैपेंड विद माय अकाउंट। तो दोस्तों मेरे ये एरर आ चुकी थी, आई ऑल्सो डिड अबव ऑल लाइक क्लियर ब्राउजिंग ऑल डाटा रीइंस्टॉल गूगल क्रोम बट नॉट वर्किंग, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू सर डेट माई कस्टम यू आर एल फॉर दिस चैनल इज नॉट वर्किंग एंड नॉट शोविंग। दोस्तों उस समय मेरी जो ये यू आर एल थी, मैंने जो कस्टम यू आर एल बना रखी थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए दोस्तों, वो भी वर्क नहीं कर रही थी। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक बार सेम उसी वही रिप्लाई फिर यहाँ पे कर दिया, सर आई फॉरगेट टू टेल यू डेट व्हेन दिस अपीयर्ड इन माई लैपटॉप, सो आई ट्राई टू साइन इन यूट्यूब बाय माई मोबाइल, देर इज नो सेम एरर बट आई कुड एक्सेस माई चैनल बाई मोबाइल डेट। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं नोट लगाना बोल गया था दोस्तों, उस दिन तो मेरे को ये अपने मोबाइल में एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे आई ट्राई अगेन टू साइन इन देन डेट इट्स वर्किंग एंड आई गोट माई चैनल इन मोबाइल बट नॉट इन लैपटॉप। दोस्तों लैपटॉप में मेरे को अपना चैनल प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने एक और यहाँ पे ईमेल किया सोन, तो दोस्तों ये तो सेम ही है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों, उसी दिन या फिर एक दो दिन के बाद में मेरे, यानी दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ईमेल, 26 सितंबर को मैंने मेल किया था और दोस्तों 27 सितंबर को मेरे एरर फिक्स हो गए थे। यानी दोस्तों हो सकता है कि यूट्यूब वालों ने कुछ रिव्यू किया हो मेरे चैनल को या फिर उसमें कुछ उन्होंने चेक वगैरह किया हो, तो दोस्तों फिर वहाँ पे मेरे एरर फिक्स हो गई थी। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे उनको थैंक्स बोल दिया, थैंक्स सर फॉर फिक्सिंग माई प्रॉब्लम हाई। तो दोस्तों फिर उनकी तरफ से मेरे को ईमेल, हाई देयर थैंक्स फॉर यूर अनएंडिंग पैसे आई ऑफ दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब तक यूट्यूब आपकी इस प्रॉब्लम को रिव्यू नहीं करेगा तो दोस्तों वो एक तरह से सोल्व होने में उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि अगर आप यूट्यूब को बता दोगे इसके बारे में तो दोस्तों हो सकता है कि आपके चैनल को रिव्यू कर ले और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ है। तो दोस्तों आपको इस तरह से ये ईमेल भेज देना आपके चैनल पे, यानी सॉरी आपकी आपके ईमेल के जरिए, और ये ईमेल कुछ इस तरह से यूट्यूब सपोर्ट @gmail.com। तो दोस्तों इसमें आपको ये लिखना है सबसे पहले डियर सर ओब्लिक में, उसके बाद में दोस्तों आपको जो मेन मैंने यहाँ पे नीचे नीचे बताया दोस्तों, जैसे मैं अपने ब्रांड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में बदल रहा था, व्हेन आई एम मूविंग माय यूट्यूब ब्रांड अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट एंड व्हेन जस्ट आई ट्राई आई डो नॉट नाउ व्हाट हैपेंड विद माय अकाउंट, आई आल्सो डिड अबाउट ऑल लाइक क्लियर ब्राउजिंग ऑल डाटा रीइंस्टॉल गूगल क्रोम बट नॉट वर्किंग। दोस्तों ये आपको ये सारी जानकारी आपको ईमेल में लिख देनी है, उसके बाद में आपको ईमेल करना है। वो दोस्तों आपको यूट्यूब की तरफ से रिप्लाई आने आए तो आपको दो तीन बार वो ट्राई करना है, दोस्तों आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों इसको फिक्स करने में मेरे को लगभग एक दो महीने के आसपास का टाइम लग गया था, क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी मैंने
मेरे जो एरर आए थे दोस्तों वो मेरे मेन चैनल के अंदर नहीं आए थे, लेकिन दोस्तों फिर उसको पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो दोस्तों उसमें मेरे 10-15 दिन का टाइम लग गया था उसको फिक्स होने में, क्योंकि दोस्तों मेरी वो नॉर्मल ईमेल थी जो मैं सिर्फ बाई चांस कभी यूज़ करता था। लेकिन दोस्तों उसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा था, जैसे चैनल बनाना कराना वगैरह दोस्तों कुछ चीज़ें उसके जरिए मैं सीख रहा था। तो दोस्तों ऐसे में फिर मेरे को सोचा कि मैंने इसे एरर को फिक्स करना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे में मेरे को 10-15 दिन से ज़्यादा टाइम उसमें लग गया इसको फिक्स करने में, और दोस्तों मेरे को यहाँ पे सही सही सॉल्यूशन इसका पता चल गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।